हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको परावर्तन के बारे में बताया था। परावर्तन क्या होता है, उससे संबंधित नियम क्या होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ दर्पण। तो दर्पणों में भी वैसे हालांकि दर्पण कई प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण, बेलनाकार दर्पण, भिन्न भिन्न प्रकार के दर्पण होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे एक आपके समतल दर्पण और गोली दर्पण, और खासतौर से गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर्स, तो आप देख रहे हैं इसका नाम ही गोली है। इसका मतलब यह है कि ये दर्पण जो होते हैं वो किसी न किसी गोले का एक भाग होता है। तो क्या करते हैं कि एक कांच का खोखला गोला बनाते हैं और उस गोले में से एक पार्ट जो होता है वो छोटा सा काट लेते हैं, और काटने के बाद उसकी एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं जिससे कि प्रकाश का आर पार न जाए, और दूसरी सतह को चमकदार ग्लोइंग बना देते हैं जिससे कि उससे परावर्तन होता है। तो एक पृष्ठ जो होता है वो प्रकाश को जाने नहीं देता है और दूसरा जो होता है वो प्रकाश का परावर्तन करता है। तो इस तरह से ये जो गोली दर्पण होते हैं वो गोले का ही भाग होता है। गोली दर्पण किसी गोले का भाग होता है। तो गोला होता है इसलिए हमको गोली दर्पण कहते हैं। इसीलिए इन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अब जैसे मान लो, सपोज करो कि भाई आपके पास ये गोला है, सपोज करो ये गोला है और ये इसका केंद्र है गोले का O, और सपोज करोगे आपने इसका ये वाला पार्ट यहां से काट दिया, इस तरीके से ये काट दिया, और इस पार्ट के इस वाले भाग पर पॉलिश कर दिए ये, और अंदर का जो भाग है वो इसका चमकदार होता है। ये जो पार्ट है ये पॉलिश युक्त होता है, और ये जो भाग होता है अंदर का ये चमकदार होता है, चमकदार। इसी प्रकार से मान लिया कि आपने भी इसका ये वाला पार्ट गोले का काट दिया, ये पार्ट, और आपने क्या किया कि भी इसके अंदर के प्रश को पॉलिश कर दी, बाहर का प्रश चमकदार है इसका। तो ये जो पृष्ठ होता है ये चमकदार होता है, और जो अंदर का जो पृष्ठ है ये पॉलिश युक्त है, पॉलिश युक्त। तो इस गोले ने हमने क्या कर दी, मैंने दो भाग ले लिए, एक भाग पर बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, दूसरे पर अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, और इसके एक का अंदर का भाग चमकदार बना दिया, दूसरे का बाहर का भाग चमकदार बना दिया। तो ये गोली दर्पण बनकर के तैयार हो गई। तो अब मैं इसको चित्र में ऐसे दिखा सकता हूँ, जैसे ये वाला है गोली दर्पण है इस तरीके से,
तो ये इसका केंद्र है, इस केंद्र को हम यहां पर सी से व्यक्त करते हैं, ये सी है, ये इस ए बी, ये ए बी इसका ये वाला पार्ट है जो हमने यहां पर लिया, ये ए बी, ये इसका सी है, ये वाला जो पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं वो इस तरीके से है। ये हमने यहां पर ये ले लिया और इस भाग को पॉलिश कर लिया। यहां पर इसका वक्रता केंद्र होता है सी, इस तरीके से ये इसका पार्ट मान लेते हैं ए डैश बी डैश होता है, तो ये इसका ए डैश बी डैश। अगर इस तरीके का आपको दर्पण दिया हुआ है तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण और इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। इसका तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल। अब अवतल में क्या होता है कि उभरा हुआ भाग होता है उस पर पॉलिश होती है, तो अवतल दर्पण ये है अवतल। तो अवतल दर्पण इसमें उभरे भाग, उभरा भाग पॉलिश युक्त होता है, तथा दूसरा भाग चमकदार होता है। उत्तल दर्पण में क्या है, इसमें उभरा भाग चमकदार तथा दूसरा भाग पॉलिश युक्त होता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें ये इसका उभरा हुआ भाग है जिस पर पॉलिश हो रही है, ये अंदर का दूसरा पार्ट है जो कि इसका चमकदार है, यहां पर इसका जो उभरा भाग है वो चमकदार होता है और अंदर का जो भाग होता है वो पॉलिश युक्त होता है। तो केवल आपको जैसे ही आप उसको देखेंगे तो देखने पर ही आपको पता चल जाएगा कि दिया हुआ दर्पण जो है वो अवतल दर्पण होता है अथवा उत्तल दर्पण होता है। इन दर्पणों से संबंधित कुछ विशेष परिभाषाएं हैं, गोली दर्पण से
संबंधित। तो पहले मैं चित्र बना देता हूं इसका आपको, जिससे कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ये मैंने आपको अवतल दर्पण दिखाया है, ए बी, ये इसका माध्यिका बिंदु है जिसको हम ओ कहते हैं। यहां पर इसका वक्रता, ये केंद्र सी होता है जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लो कि हम इस प्रकार का दर्पण ले लें तो इसका ये आपका ए डैश और बी डैश, यहां पर इसका ये केंद्र है सी और ये इसका पॉइंट है ओ। तो यह संबंध परिभाषा देखिए, पहले है आपका द्वारक, द्वारक क्या होता है जो आपको यहां पर गोले का भाग ए बी दिख रहा है या ए डैश बी डैश दिख रहा है, यही इसका द्वारक कहलाता है। यानी जो हमें गोलाकार पार्ट दिखता है उसका वृत्ताकार पार्ट दिखता है वही उसका द्वारक कहलाता है। चित्र में ए बी या ए डैश बी डैश द्वारक कहलाते हैं। यानी गोले का क्या होता है, पार्ट होता है, जैसे जितना कितना लंबा आपने उसमें पार्ट इसका काट दिया वही इसका अपर्चर द्वारक कहलाता है। दूसरा ध्रुव यानी कि पोल, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। चित्र में बिंदु ओ ध्रुव होता है। तो मैंने आपको इसका सेंट्रल पार्ट ये पॉइंट दिखाया है, यहां पर इसका ये दिखाया है, तो ये जो बिंदु होते हैं वो इसके ध्रुव कहलाते हैं। नंबर थ्री वक्रता त्रिज्या। अब क्योंकि ये जो गोले होते हैं, गोले दर्पण होते हैं, किसी न किसी गोले का भाग होता है, तो उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता नाम इसलिए क्योंकि ये वक्र होते हैं, वक्राकार होते हैं, इसलिए इसका नाम वक्र पड़ गया इसके अंदर, और त्रिज्या तो उसकी है ही, तो इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाव होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जैसे यहां से यहां तक का लिखा पार्ट है, तो ये जो हमने पॉइंट ले लिया इसका, ये यहां पर इसका ये गोलाकार पार्ट यू है, तो इसका सेंटर यहां पर होगा, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है इस तरीके से, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। चित्र में ओ सी इक्वल टू आर, इसे क्रिप्टोग्राफिक नोट करती हूं। नंबर फोर
वक्रता केंद्र और जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो दर्पण है वो किसी न किसी गोले का भाग है, तो इस गोले का जो केंद्र होता है सी, यहां पर भी दिखाया गया है सी, तो ये जो केंद्र होता है इसी केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में इसको सी से दिखाया गया, चित्र में बिंदु सी बिंदु सी। अब इसमें जो ध्रुव और वक्रता केंद्र इनको मिलाने वाली मैंने आपको रेखा दिखाई है, जो ये इस तरीके यहां पर भी आपको ये रेखा दिखाई है, तो सीधे आकार होती है इसके अंदर। तो ये जो रेखा जो होती है इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। पांचवा मुख्य अक्ष, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो चित्र में रेखा ओसी, तो ओसी रेखा है वो इसकी क्या लाएगी, मुख्य अक्ष क्या लाएगी इसके अंदर। तो ये ऐसी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो सामान्यतः स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं, बाकी और परिभाषाएं तो होती है वो सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये कोई नहीं जानता है। ये बेसिक डेफिनेशंस है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका छठवां फोकस। अब फोकस क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे
उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। इसका मैं चित्र आपको बना लूं। ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहां से प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है, ये प्रकाश किरण यहां पर इस तरीके से आ रही है और परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण इस बिंदु पर मिलती है। तो ये जो एफ होता है यहां प्रकाश किरण क्या है, वास्तव में इसमें मिल गई है इसमें। और अगर हम इसी को इस तरीके से ले लें, ये इसका मुख्य अक्ष यहां पर है, इसका जो है ये, तो ये प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से, और ये यहां से इस तरीके से परावर्तित हो जाती है, और ये परावर्तित किरणें ये यहां मिलती हुई प्रतीत होती है, ये इसका पॉइंट हो। तो यहां प्रकाश किरण क्या है, वास्तव में मिल रही है, और यहां प्रकाश किरण क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए ये वास्तविक फोकस होता है और ये आभासी फोकस होता है। मैंने जब आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बताए थे उसमें आपको बताया था कि जहां वस्तुएं जहां प्रकाश किरण मिलती हुई प्रतीत हो वो आभासी होता है, और जहां वास्तव में मिलती है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो इसमें है आपका, ये है आपका वास्तविक फोकस। चित्र में फोकस ये एफ से दिखाया गया, ये एफ है, ये एफ है। तो उत्तल अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। जबकि उत्तल दर्पण में आभासी फोकस होता है। आभासी फोकस होता है। अब इसमें देख रहे हैं कि ये इसका फोकस है और ये इसका ध्रुव है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यानी क्या है, OF ये डिस्टेंस से फोकस दूरी है, ये से फोकस दूरी है, दूरी चित्र में OF इक्वल टू फोकस और OF को हम एफ से नोट करते हैं, हमेशा स्मॉल एफ से नोट किया जाता है।
अब क्योंकि ये दूरी होती है इसलिए मात्रक मीटर होता है, मात्रक मीटर। तो इस तरीके से ये आपकी फोकस दूरी, और इसको एफ से नोट करते हैं, और इसका मात्रक इसमें मीटर होता है। तो ये गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा है। अब जो मैं थोड़ा सा आपको समतल दर्पण के बारे में बता रहा हूं, समतल दर्पण भी गोली दर्पण का ही एक पार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी वक्रता को कम करते जाए, यानी कि अगर इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो यहां पर होगा इस जगह कहीं, और हम इसको दूर लेते हुए चले जाए, तो वक्रता केंद्र जब दूर पहुंच जाता है तो ये जो पार्ट होता है वो बिल्कुल एकदम प्लेन हो जाता है, यानी समतल हो जाता है। तो जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, और फोकस दूरी भी उसकी इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण, वह गोली दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, समतल दर्पण कहलाता है। वह गोली दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन इस तरीके। अब इसकी जो वक्रता केंद्र होगा वो इन्फिनिटी पर होगा, अनंत पर होगा। तो इसकी जो सतह होती है बिल्कुल प्लेन होती है, और समतल दर्पण में हमेशा आवासीय प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी इस तरीके। तो इसमें क्या है कि जो भी प्रकाश किरण इस पर आएगी तो वो सीधी रिफ्लेक्ट हो जाती है इसके अंदर से, तो वो क्या अनंत को जाकर के फिर मिलती है। इसलिए इसकी जो फोकस दूरी होती है वो इन्फाइनाइट होती है, और इसका जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भी इसकी इन्फाइनाइट होती है। समतल दर्पण में सदैव आवासी प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि वस्तु इससे दूर होती है। समतल दर्पण से बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होती है। तो अब जैसे मैं आपको इसके एक चित्र
द्वारा बता सकते, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम खींचा हुआ है, तो भाई सपोज करो कि भाई यहाँ पर कोई बिंब होता है, ये इसका बिंब वो है, यहाँ से प्रकाश कण इस तरीके से चलेगी, तो ये प्रकाश कण तो क्या होती है, अगर ये नहीं होता तो फिर ये सीधी प्रकाश कण इस तरीके से जाती, मान लो कि दूसरी प्रकाश कण इस तरीके से जा रही है, तो ये यहां से इस तरीके से, क्योंकि ये तो क्या लंबर इस पर आप तो रहेंगे, तो ये एज इट इज ही इसमें रहती है, और ये इस, और अब हम इसको इससे मिलाएं तो ये इसका आता है यहां पर ओडेस, तो ये जो दूरी है और ये दूरी है दोनों बराबर होती है, तो अगर हम इस दूरी को हम यहां एक्स मान लें तो ये दूरी भी यहां पर एक्स हो, ये दूरी इसमें एक्स, तो इस तरीके से जो ये जो प्रकाश कण आती है जैसे आएगी वैसे ही परावर्तित तो हो जाएगी, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दे, दूसरी प्रकाश कण एक और ले लें वो इसको इस तरह बढ़ाए, इसके अंदर परावर्तन के पश्चात पीछे की तरफ, तो ये जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा, ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब, तो क्योंकि दूरियां बराबर होती है, अब मान लो समतल त्रिभुज के सामने कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है तो जितनी स्पीड से वो समतल त्रिभुज की तरफ आएगा उतनी ही स्पीड से उसका प्रतिबिंब भी समतल त्रिभुज की तरफ आता है, जो समतल दर्पण बिंब का वेग तथा प्रतिबिंब का वेग समान होता है, यानी अगर हम यह मान लें कि भाई बिंब इससे नजदीक आ रहा है तो जितनी वेग से नजदीक आएगा उतने ही वेग से इसका प्रतिबिंब भी नजदीक आएगा, और अगर ये दूर जा रहा है तो जितने वेग से ये बिंब दूर जा रहा है उतने ही वेग से इसका जो प्रतिबिंब होता है वो दूर चला जाता है, तो इस तरीके से इसमें जो बिंब और प्रतिबिंब के जो वेग होते हैं वो हमेशा बराबर रहते हैं। अब वो हम इसकी थोड़ा सा और इसमें देखें तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या वगैरह होती है तो इनमें आपस में कोई रिलेशन होता है, प्रतिबिंब बिंब वगैरह किस तरीके से बनता है, तो ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो अब मैंने आपको बेसिक जो थे वो मैंने आपको बताया, इसके जो गोली त्रिपण के और समतल त्रिपण के डेफिनेशंस वगैरह इनकी पहचान किस तरीके से होती है, किसी भी समतल द्रव और अवतल दर्पण को आप सिर्फ देख करके ही बता सकते हैं कि ये अवतल दर्पण है या समतल, बिना छुए भी उसकी आप देख सकते हैं, अगर आपको उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिख रहा है तो प्रतिबिंब निश्चित रूप, तो वो निश्चित रूप से उत्तल दर्पण होगा, और अगर प्रतिबिंब आपका नहीं दिख रहा है तो वो अवतल दर्पण होगा, तो इस तरीके से इनकी पहचान आप सिर्फ देख करके ही बता सकते हैं, और अगर आप चुगल देखेंगे तो इसका जो एक पार्ट होगा वो उभरा हुआ होगा, अगर उभरा हुआ भाग इसका चमकदार है तो उत्तल है, और अगर दबा हुआ भाग इसका चमकदार है तो अवतल दर्पण होता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।